बात निरुपा रॉय के बारे में। निरुपा रॉय जी का जन्म 4 जनवरी 1931 को वलसाड नगर में, जो गुजरात में है, एक गुजराती परिवार में हुआ था। निरुपा रॉय का असली नाम कांता चौहान था। कांता मात्र 14 साल की थी जब पढ़ाई के दौरान ही 1945 में उनकी शादी कमल बलसारा से हो गई। कमल बलसारा से शादी के बाद वो कांता चौहान से कोकिला बलसारा हो गई और पति के पास बॉम्बे आकर बस गईं। पति बंबई में राशनिंग इंस्पेक्टर की नौकरी करते थे, लेकिन एक्टर बनना चाहते थे। शादी के 3-4 महीने के बाद ही कमल को सनराइज पिक्चर्स की गुजराती फिल्म रणक देवी का एक एड दिखा, जिसमें फ्रेश आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट थी। कमल ने तुरंत अप्लाई कर दिया। जल्दी ही उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। इंटरव्यू के लिए जाते समय वो अपनी पत्नी को भी साथ लेकर गए। इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में कमल तो सेलेक्ट नहीं हो सके, मगर यहां बिना इंटरव्यू दिए उनकी पत्नी कोकिला को जरूर हीरोइन के रोल का ऑफर मिल गया। कमाल की बात है ये। पति की जिद के आगे ना चाहते हुए भी कोकिला को यह ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ा। हालांकि बाद में उन्हें फिल्म में एक छोटा सा रोल ही दिया गया था। यहां सनराइज पिक्चर्स के मालिक वीएम व्यास ने उनका नाम कोकिला बलसारा से बदलकर निरुपा रॉय रख दिया। बाद में पति ने भी बलसारा की जगह रॉय सरनेम लगाना शुरू कर दिया। इधर जैसे ही निरुपा के फिल्मों में काम करने की जानकारी उनके पिता को चली, तो जनाब घर में हंगामा खड़ा हो गया। परिवार और समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। बाद में समाज ने तो कुछ दिनों के बाद निरुपा को माफ कर दिया, मगर उनके पिता ने मरते दम तक अपनी कसम निभाई और बेटी का मुंह तक नहीं देखा। निरुपा रॉय ने जो पहली हिंदी फिल्म साइन की थी वो थी अजीत पिक्चर्स की 1948 में आई गुण सुंदरी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर रति भाई पुणातर की यह फिल्म हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में बनी थी। फिल्म में निरुपा के अपोजिट हीरो थे मनहर देसाई। फिल्म का म्यूजिक दिया था बुलो सी रानी, हंसराज बहल और अविनाश व्यास ने। जबकि उनकी पहली फिल्म जो रिलीज हुई वो थी रंजीत मूवी टोन की 1947 में आई, जिसका टाइटल लाखों में एक। इसे डायरेक्ट किया था तैमूर बैरम शाह ने। फिल्म में निरुपा के हीरो थे पाकिस्तान के एक्टर कमल। अगले 20 सालों में निरुपा रॉय ने हर हर महादेव, शिव शक्ति, नागपंचमी, शिव कन्या, सती नाग कन्या, चंडी पूजा इत्यादि जैसी करीब 50 धार्मिक फिल्मों में अभिनय किया। इसके अलावा सम्राट चंद्रगुप्त, रानी रूपमती, रजिया सुल्तान जैसी ऐतिहासिक फिल्मों में जयराज और भारत भूषण जी के साथ काम किया। निरुपा रॉय को मन का मीत, भाग्यवान, 2 बीघा जमीन, गरम कोट, बेदर्द जमाना क्या जाने और घर की लाज जैसी सामाजिक फिल्मों में भी जनता ने बहुत चाहा सराहा। 1955 में फिल्म भाई भाई से निरुपा रॉय जी ने कैरेक्टर रोल्स की शुरुआत की। 1961 की फिल्म छाया और 1964 की फिल्म शहनाई के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड भी प्राप्त हुआ। यूं तो चांद और सूरज, आया सावन, झूम के आन मिलो सजना, छोटी बहू वगैरह वगैरह फिल्मों में भी निरुपा जी ने माँ के रोल किए, मगर उन्हें एज ए मदर जो छवि होती है उस तरह की पहचान मिली 1975 की फिल्म दीवार से। 80 के दशक के आखिर तक, लेट 80s तक निरुपा जी फिल्मों में बहुत मसरूफ थी। 1999 में आई लाल बादशाह, लव यू हमेशा और जहां तुम ले चलो उनकी आखिरी फिल्में थीं। 13 अक्टूबर 2004 को 73 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इस सशक्त अभिनेत्री निरुपा रॉय जी का निधन हो गया। इसी साल निरुपा रॉय जी को फिल्मफेयर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया। इंडियन
हॉरर फिल्म्स के पायनियर कहे जाने वाले राम से ब्रदर्स को कब और कैसे आया हॉरर फिल्म्स बनाने का आइडिया, ये बताऊंगा बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।